दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है तो आज का वीडियो आपने स्किप नहीं करना है मजेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके सैमसंग डिवाइस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन लेके आया हूँ जो कि बहुत धमाकेदार है आप छोड़ के जाएंगे वीडियो तो आप बाद में पछताएंगे तो प्लीज़ वीडियो को देखिए बहुत कमाल की एप्लीकेशन है और आपने कैसे इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन को कैसे काम करती है क्या है पूरा मैं आपको बताऊंगा सो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आर के न्यूज़ टेक्स चैनल तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं ठीक है तो ये एप्लीकेशन है बेसिकली हमारे वॉलपेपर पेपर की एप्लीकेशन लेकिन आपने बहुत सारी वॉलपेपर की एप्लीकेशन देखी होंगी लेकिन इसमें और उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है ठीक है फ्री वॉलपेपर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे अगर परचेज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं यहाँ परचेज वाले मिलेंगे लेकिन आप वॉलपेपर डाउनलोड करने हैं लेकिन वॉलपेपर को आप एडिट भी कर सकते हैं यहीं पे वो कैसे आप मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई वॉलपेपर चूज करते हैं देखिए यहां पे ठीक है तो यहाँ पे मैं ये मान लो ये वाला वॉलपेपर यहाँ पे चूज करता हूँ चूज करने के बाद यहाँ पे आपको सेट वॉलपेपर का ऑप्शन आ रहा है ना लेकिन सेट करने से पहले आपने थोड़ा सा वेट करना जब आप वालपेड अपलोड हो गया ठीक है ऊपर एडिट का ऑप्शन दिख रहा है ना एडिट के ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे बल्प अपने वालपेपर को कस्टमाइज कर सकते हैं कलर वगैरह जैसे कि मैं आपको करूंगा कलर वाले पेपर का यहाँ पे बैकग्राउंड में चेंज हो रहा है तो आप अपने हिसाब सेट कर सकते हैं मान लो कि मैं मुझे ये पसंद आ गया उसके बाद इसका टेम्परेचर कम ज्यादा आप कर सकते हैं जितना डार्क करना है डार्क करना चाहते हैं या फिर लाइट रखना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा लाइट कम कर हैं वालप की या ज्यादा रखना लेते हैं ब्राइट रखना चाहते हैं वो अपने हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं ठीक है और उसके लास्ट में जो है आपको ब्लर का ऑप्शन भी मिलता है अगर अपने वालपेपेर को बैकग्राउंड में ब्लर भी रखना चाहते हैं अगर ब्लर रखना चाहते हैं तो ब्लर का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है मैं यहाँ पर ब्लर नहीं रखूंगा चलिए हम इसको करते डन करते हैं डन करना सेट एज एडिट वालपेपर आएगा ठीक है फिर आपने होम स्क्रीन में लॉक स्क्रीन में कहाँ रखना है तो मैं इसको होम स्क्रीन में यहाँ पर रखने वाला हूँ ठीक है चलिए हम होम स्क्रीन पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा आपने वेट करना है क्योंकि आपका वॉलपेपर यहाँ पे जैसे सेट हो जाएगा यहाँ पर आपको जो है ये देखो यहाँ पे वॉलपेपर पर हमारा सेट हो चुका है बैक आएंगे तो मेरे फोन में जैसे इतना ज्यादा प्यारा वॉलपेपर यहाँ पे सेट हो चुका है देखने में भी काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा जाइए और डाउनलोड कीजिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं बाय बाय टेक जय हिंद बंदे मातरम